बाउंड्री वॉल को काम में बिजुली को खम्बा हटाने कार्य समस्या स्थानीय मानिसर को गुनासो सुने पछि घटनास्थल में पुगे जेगो विकास प्राधिकरण का चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा काम रामरी हेरेर गर्ने निर्माण संस्थालाई जेडीए चेयरमैन को सुझाव भारत भोटाङ सीमांत क्षेत्र में भोटाङ को पक्षबाट 12 फुट अग्लो कंक्रीट को वाल निर्माण कार्य चलिरहेको छ। वाल निर्माण गर्दा नो मैन्स ल्यान्ड अर्थात जीरो लाइन में रहेको भारतीय पक्ष को बिजुली को खम्बा हटाउने कामले गर्दा यता जेगो बासिन्दाहरूलाई समस्या परेको छ। आज यस गुनासो स्थानीय पंचायत सदस्य कहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले पोखे। गुनासो सुनेपछि घटनास्थलमा जेगो विकास प्राधिकरणका चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा र एईओ भूषण शेर्पा पुगेर काम राम्ररी हेरेर गर्ने सुझाव निर्माण संस्था समक्ष राखे। यस सम्बन्धमा जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्माले बिजुलीको खम्बा हटाउने कामले यता जेगो पट्टीका बासिन्दाहरूको घरमाथि बिजुलीको तार आइरहेकोले जुन समस्या भइरहेको थियो त्यसको समाधान भएको जानकारी गराए। देखिए, यहाँ जीरो लाइन में जो बिजली का पोल था भूटान के ऑब्जेक्शन के कारण से वो पोल थोड़ा साइड में किया जा रहा था, जिससे स्थानीय कुछ लोगों को उस पर आपत्ति था। तो वही आज हम लोगों ने आकर के देखा और देख करके जो ज़रूरी जो दिशा निर्देश देना था वो दे दिया गया। अब हमको लगता है वो कोई समस्या नहीं रहेगी, काम हो जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अभी क्या काम रुकेगा कि काम रनिंग है? ना, काम रनिंग है। और जी, वो बिजली का खंभा लेकर के एक प्रॉब्लम आज हो रहा था, क्या समस्या क्या था वो? आप सभी को नमस्कार। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी जो भूटान का जो पुराना बाउंड्री वॉल है उसकी जगह अभी नया बाउंड्री वॉल भूटान द्वारा बनाया जा रहा है कंक्रीट वॉल, तो उसी को लेके जो अपने वॉल के साइड में जो बिजली के पोल थे उनको हटाने का जो प्रोविजन है जेडीए द्वारा किया गया, लेकिन वो पोल क्या जो पॉइंट जो थे विभिन्न पॉइंट वो पॉइंट को लेके कुछ पॉइंट अपने रास्ते के बीच में आ रहे थे, कुछ कुछ अंदर जा रहे थे, तो उन्हीं को एक लाइन में और एक जगह सिस्टमेटिक करने से मतलब ताकि लोगों को असुविधा ना हो, हमारे जो माँ मंदिर वासी उनको किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसी को लेके आज उनको बुलाया गया। उन्होंने अपना सिस्टमेटिक करके सब चीज़ों का एडजस्टमेंट करके उन्होंने फाइनल किया। क्या आप लोग काम रुका दिया? नहीं, काम वैसे रुकवाया नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको जैसे हम लोगों ने बोला था कि एक बार काम जो है थोड़ा सा फाइनल हो जाए उसके बाद में आगे काम करें। अभी आप काम करने देंगे कि बंद कर देंगे? देखिए, काम तो अभी अपनी चालू है, सुचारू रूप से चालू है काम। काम पर कोई दिक्कत नहीं, काम करने देंगे आप।